गाइस देख सकते हो हम लोग शकरुल्ला शाह बाबा की दरगाह पे अभी आए हैं, ज़ियारत किए जैसा कि मैंने आपको बताया। और बहुत सुकून है इधर पे, बहुत लोग आए और बहुत भीड़ है इधर पे। अभी ईशा की नमाज़ के बाद में नफीले पढ़ी जाएगी और जो भी महरूम जो भी दुनिया से रुखसत हुए हैं उनको बख्शाया जाएगा। अभी बस मैं ज़ियारत करके ही निकला हूँ और अभी जा रहा हूँ कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान में कुछ जो भी महरूम हमारे घर से रुखसत हुए और दुनिया से रुखसत हुए उनके लिए कुछ पढ़ के बख्शा देते हैं। और अभी देख सकते हो यहाँ की चहल पहल, यहाँ की रौनक आप देख सकते हो, माशाल्लाह। दरगाह धीरे धीरे भीड़ होते जा रही है और शब बरात का माहौल माशाल्लाह बहुत ही बहुत खूबसूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था शकरुल्ला शाह बाबा की दरगाह वर्सोवा में, आप आ सकते हो कहीं से भी। तो आप पहली वीडियो देख लीजिए, अगर आपको एड्रेस का नहीं मालूम है मैं आपको लिंक उसकी दे दूंगा। तो गाइस अभी जा रहा हूँ कब्रिस्तान और वहाँ पर बख्शा के फिर आपसे मिलता हूँ। जब तक कि आप वीडियो देख लीजिए और आप भी ज़ियारत कर लीजिए। आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो तो मैं पॉसिबल करवा देता हूँ आपकी ज़ियारत। अल्लाह हाफिज़।
गाइस आप लोगों ने देखा जियारत भी हो चुकी है और कब्रिस्तान से जस्ट अभी मैं बाहर निकला हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे और मस्जिद में फिर नफिल नमाज पढ़ेंगे। तो गाइस ये ब्लॉग बनाने का मूड भी नहीं था आपको, मैंने मतलब आपको मालूम नहीं था इधर वर्सों का कब्रिस्तान और यारी रोड का अभी जो दरगाह का जो भी माहौल है वो मालूम नहीं था, तो मैंने आपको वो चीज़ एक्सप्लोर किया ताकि आप भी देख सको, आपके साथ में वो चीज़ शेयर किया मैंने। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।